हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने एसएससी जीडी के आंसर की आने के बाद कितने कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा कि किस किस जोन में कितने कट ऑफ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज मैं क्या डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी के आंसर की आने के बाद कितने कट ऑफ रहेंगे। यूआर ओबीसी का एक साथ लिया है, रेंज थोड़ा बढ़ा दिया है फ्रेंड्स, इसके बीच में जिसके भी आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी जो है फ्रेंड 58,373 वैकेंसी थी। अब नेक्स्ट अगर बात करें बिहार, यूपी और राजस्थान का, अगर बात करें यूआर का 70 से 74 के बीच में रहेगा, ठीक है। अगर ओबीसी का बात करें फ्रेंड तो 63 to 68 रहेगा, और एससी एसटी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो 60 to 63 के बीच में जिनके नंबर हैं उनका सिलेक्शन बिहार, यूपी, राजस्थान जोन से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम की। अगर इसकी बात करें फ्रेंड तो अब यू आर ओ बी सी को एक साथ लेके बता रहा हूँ, रेंज थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बीच में जिनका भी आ रहा है उनका फाइन श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। 42 उनको बुलाया जाएगा आपके पीईटी और पीएसटी के लिए। 42 to 50 जिनके भी नंबर हैं उनका सिलेक्शन पीईटी पीएसटी के लिए हो जाएगा और उनको बुलाया जाएगा, उनका कॉल लेटर आ जाएगा। एससी एसटी का बात करें फ्रेंड तो एससी एसटी का 39 to 45 जिनके भी नंबर हैं उनको बुलाया जाएगा पीईटी पीएसटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भोपाल, गुजरात की बात करें तो यू आर ओ बी सी से जिनके भी नंबर 53 से 57 के बीच में आ रहे हैं उनको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स पीईटी और पीएसटी के लिए। नेक्स्ट अगर एससी एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 50 to 56 जिनके भी नंबर हैं वो सेफ हैं, 52 54 जिनके नंबर वो सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पुंडुचेरी, केरला, कर्नाटक का बात करें तो यू आर ओ बी सी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसके इनके नंबर अगर 49 to 54 अगर हैं तो वो सेफ जोन में है, उनको बुला लिया जाएगा पीईटी पीएसटी के लिए। और एससी एसटी की अगर बात करें फ्रेंड्स दोस्तों तो एससी एसटी का जिनके नंबर 45 से 48 के बीच में है वो सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप की अगर बात करें, तेलंगाना उत्तराखंड की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यू आर ओ बी सी का बात करें तो यू आर ओ बी सी का 53 से 59 के बीच में अगर नंबर हैं तो सेफ है, और एस सी एस टी का बात करें तो 48 to 51 जिनके भी नंबर हैं वो सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली का बात करें तो यू आर ओ बी सी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो यू आर ओ बी सी के नंबर जो होंगे 51 से 57 के बीच में, और एस सी एस टी का अगर बात करें तो फ्रेंड्स आपका 48 से 52 के बीच में अगर नंबर हैं तो आपको कॉल आएगा पीटी और पीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार का, लक्षद्वीप का, दमन दुई का बात करें और दादरा नागर हवेली का भी बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसका यू आर ओ बी सी का बात करें तो सबसे कम यहीं जाएगा फ्रेंड्स 40 से 44 के बीच में जिनके नंबर हैं जनरल हो या ओ बी सी उनको कॉल आएगा फिजिकल के लिए। और एस सी एस टी का अगर बात करें तो 37 से 41 जिनके भी नंबर हैं उनको कॉल आएगा फिजिकल के लिए। तो फ्रेंड्स ये इस नंबर रेंज के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं आंसर की आने के बाद तो फ्रेंड्स आप सेफ है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।